सर मैंने लेस बनवाया तो कभी झगड़ा झगड़ा नहीं करूँगा सर, इधर कभी नहीं आऊँगा सर, कभी अपराध नहीं करूँगा सर, ना किसी को जूते के लेस बनवाऊँगा सर, मैं तो कभी दिखूँगा। तस्वीर इंदौर की है। इंदौर पुलिस इस बदमाश का जुलूस निकाल रही है। बदमाश रितेश अब कभी अपराध ना करने की कसम खा रहा है, कह रहा है कि अब कभी किसी से जूते के लेस नहीं बंधवाएगा। दरअसल ये पूरा मामला सोमवार का है, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में बदमाश रितेश एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट करता नजर आया, बल्कि आरोपी ने युवक से जूते के लेस तक बंधवाए। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर पुलिस एक्शन में आई और इस अपराधी को धर दबोचा और आरोपी बदमाश रितेश राजपूत का जुलूस निकाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई धाराएं लगी हैं और पुलिस जांच कर रही है। कल सुबह बोलाराम उस्ताद मार्ग है, जो कि भवरपुरा थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ सुबह करीब 7:45 बजे की घटना है। एक युवक है जो कि एक सैलून पे काम करता है, वो पैदल जा रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उसको कट मारी तेजी से। उससे पूछा कि भाई ऐसे कैसे चल रहा है, तो इसी बात पर उनका विवाद होने लगा और उस विवाद में ही उसने उसके साथ में युवक के साथ में मारपीट की। और मारपीट के बाद जब वो युवक थाने पर आया तो उसके FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद में आरोपियों के संबंध में वीडियो फुटेज चेक किए गए, तब उसमें आरोपी की पहचान हुई है, जो कि रितेश राजपूत नामक लड़का है, जो कि हिम्मत नगर पालना का स्थानीय निवासी है। उसके विरुद्ध अनेक मारपीट और लूट और उसके शरीर संबंधी अपराध करीब 10 मामले पंजीबद्ध हैं और इसके विरुद्ध नवंबर 2023 में बाउंड ओवर की कार्रवाई भी SCP यूनिकॉर्ड के न्यायालय से की गई है। 3 वर्ष के लिए बाउंड ओवर किया गया है, उसके बावजूद भी अपराध किया है तो इसमें इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और विभिन्न धाराओं में प्रतिबंधात्मक में उसमें कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। जो इसने वायोलेशन किया है उसमें भी कार्रवाई की जा रही है और सभी मामलों में अनुसंधान तेज गति से करके न्यायालय में मामला पेश किया गया। सर, ये वीडियो में जो है लड़के से क्या फीते बनवाए जा रहे थे, क्या करवाया जा रहा है? बाद में जब हमने CCTV फुटेज चेक किया है तो उसमें पता लगा है कि मारपीट के दौरान ही उसके पैर की तरफ कुछ जूते उठते में कुछ करने इशारा किया था, तो वो चीज़ें सामने आई हैं। इसीलिए हमने उसमें जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें गंभीर जो एक्ट की धाराएं हैं उसमें भी हमने कार्रवाई की। इस पूरे मामले में एक आरोपी रितेश राजपूत को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस पहले भी इसी तरह बदमाशों का जुलूस निकाल उन्हें सबक सिखा चुकी है। फिलहाल बदमाश रितेश राजपूत के जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।